नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब सुबि नामे जागे तब सुबि आशीष मागे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय हे। मेरे धड़कनों में धड़कता रहे तो मेरे देश तुझको नमन है मेरा। जीऊं तो जुबां पर तेरा नाम हो मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा। सफर की दर्द भरी दास्तान रख दूंगा मैं पत्थरों पर अपने लहू का निशान रख दूंगा। ये याद तेरे दिल की अगर बुझा नहीं पाया तो दहकते सोलों पर अपना मुकाम रख दूंगा। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। दोस्तों, मानवाधिकार एक व्यापक और जटिल विषय है। इसके कई आयाम हैं। लोग अक्सर मानवाधिकार हनन की बात करते मिल जाएंगे, पर मानवाधिकार को समग्रता में समझने का लोगों के पास वक्त नहीं होता है। उल्टे खुद के नकारात्मक सोच को समाज पर थोपने वाले अक्सर आपको मिल जाएंगे। दरअसल मानवाधिकार को तीन विशिष्ट आयामों में समझने की जरूरत है। पहला ये कि मानवाधिकार है क्या, दूसरा ये कि मानवाधिकार का हनन कब कहां और कैसे हो रहा है, और तीसरा मानवाधिकार आंदोलन का भटकाव या यूं कहें कि मानवाधिकार का राजनीतिकरण। दरअसल इन तीनों आयामों को अलग अलग समझना होगा, तभी हम समस्या के समाधान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत की बिहार प्रदेश कमेटी ने बीते 10 दिसंबर को इसी बात को समझने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत होटल गायत्री पैलेस में एक प्रांतीय सेमिनार का आयोजन किया। इसका विषय था मानवाधिकार का राजनीतिकरण। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मानवाधिकार के दिवस पर आप सभी को मानवाधिकार का बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन 10 दिसंबर 1993 को भारत में मानवाधिकार को कानून का दर्जा दिया गया। राष्ट्र संघ ने इसे 1948 में ही एक रेजुलेशन पास करके एक कानून बना दिया था। भारत में इसे 10 दिसंबर को कानून का अधिकार मिला। हालांकि हमारे यहाँ जो परंपराएं रही हैं उसमें मानवाधिकार सदियों से चली आ रही एक व्यवस्था है जो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग रहा है, वो अपनी जगह पर एक दूसरी बात है। सबसे बड़ी बात ये कि मानव अधिकार दिवस या मानव अधिकार ये है क्या और इसका क्या राजनीतिकरण हो रहा है, जिस पर हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसको जानने के लिए, क्योंकि हमें कहा गया है कि विषय पर बात करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम इस तरह के कार्यक्रम को लेकर के, छोटे छोटे कार्यक्रम को लेकर जागरूकता अभियान के तहत गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो एक सबसे बड़ी बात ये उभर के आती है कि मानव अधिकार दरअसल है क्या, ये आज बहुत बड़ी आबादी को पता नहीं है। ठीक से जागरूकता का बहुत बड़ा अभाव है, क्योंकि एक बड़ा जटिल विषय है और बड़ा व्यापक विषय भी है। जटिल भी है, व्यापक भी है, और जानकारी का लोगों को बेहद अभाव है, कमी है। ऐसे में जो लोग जानते हैं कि मानव अधिकार है क्या, जब हम गांव में जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि एक आतंकी मारा जाता है तो मानव अधिकार उसके लिए, उसका मानव अधिकार होता है, उसके लिए मानव अधिकार के लोग खड़े हो जाते हैं। एक नक्सली अगर गिरफ्तार होता है या उसके साथ कुछ कोई बातें होती है तो मानव अधिकार के लोग वहां खड़े हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि यही है मानवाधिकार, जहां मानवाधिकार से जुड़े लोग
आतंकियों के साथ खड़े हो जाते हैं, नक्सलियों के साथ खड़े हो जाते हैं, या कथित एजेंडा के तहत वर्ग विशेष, समूह विशेष, या जहां उनको राजनीतिक लाभ होना होता है वहां खड़े हो जाते हैं, अदालत को मध्य रात्रि में खुलने के लिए दिवस कर देते हैं, यही है मानवाधिकार। ऐसा आम लोगों के जिहन में है, लोग ऐसा सवाल पूछते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। दरअसल यही है हमारा विषय कि मानवाधिकार का कुछ लोगों ने राजनीतिकरण कर दिया, चाहे वह विचारधारा वामपंथ की हो या वह विचारधारा दक्षिण पंथ की हो, लेकिन इस विचारधाराओं की आड़ में मानवाधिकार का राजनीतिकरण कर दिया गया है और एजेंडा के रूप में मानवाधिकार को परोसा गया और आम लोगों को लगा कि यही है पूरा का पूरा मानवाधिकार, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इससे पूरा मानवाधिकार आंदोलन बदनाम होने लगा। लोग मानवाधिकार कार्यकर्ता को अब उस नजरों से नहीं देखते जिस नजरों से देखना चाहिए था, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। जानकारी कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं कि आज सुरक्षा के नाम पर, ये तो विचारधाराओं की राजनीति मैंने बात कहा, सुरक्षा के नाम पर हमारी सरकारें मानवाधिकार का हनन कर रही है। सुरक्षा के नाम पर देश को खतरा है या देश की सुरक्षा की बात होकर के वहां मानवाधिकार का हनन कर रही है। और इससे भी बड़ी बात ये कि आज राष्ट्र संघ भी मानवाधिकार की आड़ में देशों को बदनाम करने की काम कर रही है। ये मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि यूएनओ में भारत के अस्थाई उप प्रतिनिधि तन्मय नाल ने कहा कि मानवाधिकार का राजनीतिकरण करके सरकारें इसे विदेश नीति के रूप में, हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ये तन्मय लाल जी का कहना है जो भारत के प्रतिनिधि हैं यूएनओ में, ये उनका कहना है, ये मैं नहीं कर रहा हूं। दूसरी चीज, आज राष्ट्र संघ किस तरीके से राजनीतिक एजेंडा के तहत देश को बदनाम कर रहा है, इसका एक उदाहरण अगर हम दें तो अभी आपको याद होगा, आप लोग अभी हाल फिलहाल देखे होइएगा कि मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त हैं जैद राद अल हुसैन। अभी हाल ही में 2 महीना पहले उन्होंने कश्मीर पर मानवाधिकार हनन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था राष्ट्र संघ में, जिसे भारत को बड़ी बदनामी हुई और वो पूरा का पूरा रिपोर्ट फर्जी सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया था, लेकिन देश को बदनामी हुई। ये एक साजिश है, एक एजेंडा है जिसके तहत मानवाधिकार का आर लेकर के राजनीति किया जा रहा है। ये बड़ा खतरनाक संकेत है और इसीलिए हम इस सेमिनार का आयोजन किए हैं ताकि यहां से एक प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा जा सके। यहां से प्रस्ताव पास करके हम अपने केंद्रीय कमेटी के माध्यम से यूएनओ को भेज सकें कि इस पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी बात, और वो बड़ी बात ये कि मानवाधिकार दरअसल है क्या, आम आदमी को पता नहीं है। बहुत सीधी सी बात करें तो आतंकी, नक्सली या कथित एजेंडा, यहीं पर मानवाधिकार नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में मानवाधिकार है जिसको हम नहीं जानते, चिकित्सा के क्षेत्र में मानवाधिकार है जिसको हम नहीं जानते। कदम कदम पर मानवाधिकार की जरूरत पड़ती है। किसानों के लिए मानवाधिकार, महिलाओं के लिए मानवाधिकार, हम इसको नहीं जानते। मोटे तौर पर एक छोटी सी बात बहुत संक्षेप में विषय के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि 12 दिसंबर 2002 को संविधान का 86वां संशोधन हुआ और इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अब मौलिक अधिकार का जब दर्जा दिया गया तो सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू भी कर दिया। अब इसके तहत 14 आयु वर्ग तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लेने का उसे हक है। हक है, देना है नहीं, हक है, उसको लेना है, हक है। क्या यह मानवाधिकार नहीं है? क्या इसके लिए हम कदम उठा नहीं सकते? लेकिन हम लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है कि नहीं, जब किसी आतंकी के साथ घटना हो तभी मानवाधिकार है, यहां तो मानवाधिकार है ही नहीं, इसलिए हम इसकी बात नहीं करते। तो
मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हक है हमें कि हम मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। अब ये एक तरफ कानून बन गया, अधिकार मिल गया, लेकिन अब जरा सच्चाई क्या है उस पर भी नजर डालिए। सच्चाई ये है कि आज भी इस देश के 92% स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के का जो मानक बना है वो उपलब्ध ही नहीं। शिक्षा के अधिकार के तहत जो मानक बना वो उपलब्ध नहीं है। मानक क्या है? जो डाइट्स की रिपोर्ट है, 45% से भी कम स्कूल हैं जहां 30 बच्चों पर एक शिक्षक। पहले 40 पर था, जरा इसको गौर कर लीजिएगा, इसमें बहुत सारे शिक्षक लोग बैठे होंगे, आपको ध्यान में होगा कि पहले था 40 पर एक, अब जो ये नया बना इसमें है कि 30 छात्र पर ही एक शिक्षक होने चाहिए, 30 छात्र पर। और रिपोर्ट कहता है, सरकार की रिपोर्ट कह रहा है कि 45%, हालांकि ये रिपोर्ट इससे ज्यादा भयानक है, लेकिन जो रिपोर्ट सरकार की है वही बता रहे हैं कि 45% से ज्यादा विद्यालयों में आज एक शिक्षक 30 से अधिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 40, 50, कहीं कहीं तो 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्या ये अधिकार हमारा नहीं है कि हम शिक्षा का समुचित उपयोग कर सकें? जो छात्राओं के लिए शौचालय होना चाहिए, जो चार दीवारी होनी चाहिए, जो चौक डस्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, जो और भी बुनियादी चीज है, पुस्तक समय पर मिलना चाहिए, तो ये सब चीज उपलब्ध नहीं है। आपको जानकर के आश्चर्य लगेगा कि इससे भी भयानक स्थिति है। भयानक स्थिति क्या है? देश के 7 करोड़ से ज्यादा बच्चे, 14 आयु वर्ग के 7 करोड़ से ज्यादा बच्चे आज शिक्षा से ही बेदखल हैं। वो स्कूल नहीं जाते, वो पढ़ाई नहीं करते, वो दूसरे किसी काम को कर रहे हैं। उनके पास इतनी संसाधन नहीं है, या उनको जागरूक नहीं किया गया है, या उन तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही। एक तरफ कानून बन गया कि हमको अधिकार है कि हम शिक्षा लें, और दूसरी तरफ 7 करोड़ बच्चे हैं जिनको जो स्कूल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आरटी फोरम की रिपोर्ट को अगर माने तो बिहार में 52% शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। वो शिक्षक हैं, हमको आपको लगता है कि शिक्षक हैं, लेकिन वो प्रशिक्षित नहीं है, अप्रशिक्षित हैं। और नतीजा वो क्या पढ़ा रहे होंगे, क्या बता रहे होंगे, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। अप्रशिक्षित हैं। एक चीज गौर कीजिएगा, मैंने अप्रशिक्षित की बात कही है, फर्जी की बात नहीं कही है। इसमें कितने फर्जी हैं वो आप उस पर आप सोच लीजिए, वो एक अलग मुद्दा है। अप्रशिक्षित की बात कर रहे हैं, फर्जी की नहीं बात कर रहे हैं। अप्रशिक्षित 52% से ज्यादा है। शिक्षा की बात बुनियादी तौर पर अगर इसको थोड़ी देर के लिए माइनस भी कर दीजिए तो मानवाधिकार सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। हम में से अधिकांश लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारा देश, इसकी 3/4 से अधिक आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है, और यहां जितने लोग हम बैठे हैं वो सब के सब या उनमें से अधिकांश कृषि क्षेत्र से आते होंगे, किसान हैं आप। आधिकारिक आकलन के अनुसार मानवाधिकार की जरूरत कहां कहां है, जरा हम छोटा सा फोकस करना चाहते हैं कि एक तरफ राजनीतिक एजेंडा आपको बता दिया गया, ये 3-4 जगह मानवाधिकार। हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देना चाहते हैं कि मानवाधिकार सिर्फ वही नहीं, यहां भी आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि देश के 17,638 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये ग्राफ है, ये रिपोर्ट है। मैं एक चीज बार बार बोल रहा हूं, इसको जरा आप लोग गौर से नोट कर लेंगे कि ये जो सरकार की रिपोर्ट है, हकीकत इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी, निसंदेह होगी। यहां बैठे हुए तमाम लोग इस बात को महसूस करते होंगे कि सरकार की रिपोर्ट अपे कम रहती है और स्थिति उससे ज्यादा बदतर होती है। मैं सरकार की रिपोर्ट बता रहा हूं, सरकार की रिपोर्ट कहता है कि 17,638 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। क्यों क्यों आत्महत्या कर चुके हैं? किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान हमको अन्न देते हैं, किसान हमारे लिए बहुत सारा उत्पादन करते हैं। आज वही किसान, वही अन्नदाता आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? तो हम बता रहे थे कि 17,638 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बात सिर्फ आत्महत्या की नहीं है,
एक और छोटी सी बात बताते हैं, जलवायु परिवर्तन आपने नाम सुना होगा, आप में से सारे लोग नाम सुने होंगे कि अभी जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से हम लोग समझते हैं कि ये बहुत छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और उसके साथ एक बात आ गई है प्रदूषण, प्रदूषण की भी बात आ गई है। हम लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को बहुत हल्के में लेते हैं, और यह जीवन के लिए कितना खतरा है इसके लिए मैं आपको बताऊं कि दुनिया में 5 लाख लोग प्रति वर्ष जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण मौत के आगे इसमें आगोश में जा रहे हैं। क्या उनको अधिकार जीने का नहीं है? क्या उनको मानवाधिकार का अधिकार नहीं है? क्या यहां आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ये राजनीतिक एजेंडा के तहत नहीं आते, इनको इनकी बात उठाने से किसी को बहुत लाभ नहीं होने वाला है, जो जो लोग चला रहे हैं उनको लाभ नहीं होने वाला, इसलिए इनकी बात नहीं उठाया जाता है। किसानों की आत्महत्या के लिए दो चीज बहुत जिम्मेदार है, एक किसानों को सिंचाई नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, और दूसरा उनका जो उत्पादित अनाज है उसका मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है। ये उसको अधिकार नहीं है कि उसको उसको जो जरूरत है वो उसको मिले? हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार है, मानवाधिकार को कानून का दर्जा प्राप्त है, लेकिन आज हमारे किसान कभी इन मुद्दों पर बात नहीं करते। उनको भी समझा दिया गया है राजनीति के एजेंडा, वो दिन भर बैठ करके उसी राजनीति के एजेंडा पर, किसान भी अब जरा गौर कीजिएगा, इसमें कई किसान बैठे हैं, गांव में मिलते हैं, चौपाल लगाते हैं, और उस चौपाल में भी वही जातिवाद, वही धर्मवाद, वही संप्रदायवाद, इन सब चीजों पर बात करते हैं, लेकिन इन चीजों पर वह किसान भी बात नहीं करता है। इसीलिए हम संगोष्ठी करके आपको बताना चाहते हैं कि आप इन बात के विषयों को बदलिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, कोई आकर के ऊपर से आपको कुछ दे देगा, इसकी उम्मीद कम रखिए। सिंचाई की हम बात कर रहे थे तो बिहार की 74,000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई करना आज भी मुश्किल है। जरा गौर कीजिएगा, एक तरफ 21वीं सदी चांद पर जा रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा, हमारे पड़ोसी तो नए चांद ही बना रहे हैं। अगर आप खबर पर अगर आपका नजर होगा तो चीन में कृत्रिम चांद 2022 तक कृत्रिम चांद और कृत्रिम सूरज वो बना रहा है। अब उसके यहां रात नहीं होगा, दिन ही रहेगा। तो एक तरफ हमारा विज्ञान, हमारे देश का, हमारे दुनिया का विज्ञान इस कदर बढ़ गया कि हम चांद पर जा नहीं रहे हैं बल्कि चांद बना रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो हमारे किसान हैं बेमुकुट गोपाल हैं, आज 74,000 हेक्टेयर जमीन अकेले बिहार में, वहां हम पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये मानवाधिकार नहीं है? क्या इस पर बातें नहीं होनी चाहिए? क्या इसको चर्चा में नहीं लाना चाहिए? दूसरी तरफ हम आपको एक चीज और बताते हैं कि सरकार, जरा गौर कीजिएगा, फिर राजनीति, यहां भी राजनीति, राजनीति क्या कि इस जमीन को सिंचित जमीन बनाने के लिए बिहार की सरकार ने 26,83,67,00,000 रुपए की लागत से 14 परियोजनाओं का, सिंचाई की 14 परियोजनाओं का ब्लूप्रिंट तैयार करके उसको रखे हुए है, लेकिन पैसा नहीं है जिसके कारण उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। कभी कोई आवाज बुलंद हुआ? कभी किसी मानवाधिकार संगठन ने या आम आदमी ने ये अधिकार बुलंद किया कि साहब आपको, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन किन किन चीजों पर आज सरकारें खर्चा कर रही है आपसे किसी से छिपा नहीं हुआ? हम किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज सरकारें किन किन कार्यों पर खर्चा कर रही है उसके लिए पैसा है, लेकिन यहां किसानों के लिए पैसा नहीं है कि इस परियोजना पर काम हो। ब्लूप्रिंट तैयार है, 14 परियोजनाओं का ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा है। इसी पर एक खतरनाक स्थिति मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आज शायद आप लोगों के आंखों के सामने होगा, भूजल का स्रोत नीचे जा रहा है। शहर में रहने वाले लोग थोड़ा ज्यादा जानते होंगे, गांव में रहने वाले थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन अब गांव में भी इसका असर दिखने लगा है। समय था जब इसी मुजफ्फरपुर का सकड़ा के एरिया में जब हम जाते थे तो पता चलता था कि भूजल का स्रोत नीचे है, आज से 5-10 साल पहले, और हम लोग अपने एरिया में आते थे तो ये कहानी कहते थे तो लोग यकीन नहीं करता था। आज मुजफ्फरपुर जिले का कोई भी इलाका बाकी नहीं है जहां भूजल का स्रोत जून जुलाई महीने में कहां चला जाता है, चापाकल सूखने लगता है,
पंपिंग सेट काम नहीं करता है और आज ये समस्या हमारे और आपके बीच भी आ गया है। इन चीजों को हम समझ रहे हैं, शहर वाले थोड़ा पहले से समझ रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ये तो बहुत मामूली चीज है, पानी नीचे जा रहा है, क्या होगा इससे। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, नाइजीरिया का नाम तो आपने सुना होगा, एक देश है नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका का एक इलाका है, वहां एक झील है उदय चांड झील, झील का नाम है, जरा गौर से सुनिएगा, उदय चांड झील। ये एक झील के सूख जाने से 3 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा, 3 करोड़ लोगों एक झील के सूख जाने से, और यही विस्थापित हुए लोगों ने आगे चल के बोको हराम का गठन किया, जो आतंकी संगठन है और आईएसआईएस से भी बड़ा आतंकी संगठन है आज दुनिया में ये बोको हराम। उसका नाम तो आप जरूर सुने होइएगा। ये वही लोग हैं जो इस झील के सूखने से विस्थापित हुए और उनको न रोजगार मिला न उनको कोई साधन मिला और उन्होंने बंदूक उठाया और आज वो पूरे दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। तो क्या आप चुप रह करके यहां भी बोको हराम पैदा करना चाहेंगे? नाम बदल जाएगा, जरूरी नहीं है कि बोको हराम हो, नाम बदल जाएगा लेकिन यहां भी होगा। अगर इस छोटी छोटी सी चीजों पर हम चुप रह गए, इन छोटी छोटी चीजों पर हम समय रहते आवाज बुलंद नहीं किए, तो क्या समस्या उत्पन्न होने वाला है ये नाइजीरिया से, आपको सीखना होगा। खैर, हम एक चीज और आपको आपके ध्यान में डालते हैं, बहुत सारी हमारी बहनें बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं। आपको पता होगा कि सरकार ने घरेलू हिंसा अधिनियम बना दिया है, सारे कानून के जानकार बैठे हैं, वो आपको विस्तार से बताएंगे, हम ज्यादा विस्तार से जाना नहीं चाहते, वो आपको ज्यादा विस्तार से बताएंगे, लेकिन हम छोटा सा बता देना चाहते हैं कि 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम बन गया और इसका भी राजनीतिकरण हो गया। राजनीतिकरण क्या हो गया? तो ये घरेलू हिंसा अधिनियम बना इसलिए कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, महिलाओं के शोषण और अत्याचार को रोका जाए। हो क्या गया? महिलाओं का आर लेकर के किसी का शोषण होने लगा, महिलाओं की आर लेकर के किसी के साथ उसको तकलीफ पहुंचाया जाने लगा, यहां भी राजनीतिकरण हो गया और ये आंदोलन भी बदनाम होने लगा। तो जरा गौर कीजिए, ये राजनीतिकरण 2, 4, 5, 10 आदमी या 100 आदमी चाहते हैं, लेकिन वो संभव तब होता है जब हम उनके हिस्सा बन जाते हैं। मानवाधिकार का यह भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि हम इतने जागरूक करें लोगों को, या हम खुद को इतने जागरूक हों कि हम उनका राजनीतिक एजेंडा बने नहीं, उनका शिकार नहीं बने। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज भी विकासवाद के इस दौर में हम तेजी से विकास कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं, लेकिन इस विकासवाद के दौर में महिला साक्षरता का दर पुरुष की तुलना में क्या है, किसी से छिपा नहीं है, बहुत कम है। और चूंकि वो साक्षर नहीं है तो राजनीति की शिकार हो जाएगी। 19वीं सदी को महिलाओं के लिए नव जागरण का काल माना गया। आपको शायद पता होगा कि नव जागरण का काल माना गया और कई समाज सुधारक पैदा हुए 19वीं सदी में, कई समाज सुधारक पैदा हुए। बंगाल में राजा राम मोहन राय पैदा हुए, इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया। आपको पता होगा सती प्रथा, हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, इन लोगों ने गुजरात में स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, महिलाओं के हालात में बहुत सुधार हुए। महाराष्ट्र में सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा की शुरुआत की, और आज हम इन लोगों के नाम पर भी फिर राजनीति करते हैं, फिर हम बैठ करके इन लोगों का नाम लेते हैं और उसको फिर विभिन्न वर्गों में, समूहों में, मैं स्पष्ट नहीं कहना चाहता हूं, आपको पता है, वहां हम विभाजित करने का काम करते हैं। इनके अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाना, इनके अच्छे कार्यों को समाज में फैलाने की जगह इनके नाम पर भी हम समाज को बांटने का काम करते हैं, विभाजित करने का काम करते हैं। क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है? सोचने की बात है। संविधान के अनुच्छेद 39 में महिला और पुरुष को समान अधिकार मिला हुआ है, समान अधिकार मिला हुआ है, लेकिन क्या आप जो महिलाएं खास करके बैठी हैं या जो पुरुष भी हैं उनको भी पता है क्या ये अधिकार लागू है, क्या ये वास्तव में प्रैक्टिकल में आ रहा है, लोग इसको समझ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता है? नहीं है तो नहीं है। तो एक तरफ हम संविधान लागू करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम अपने संविधान का खुद ही उल्लंघन भी करते हैं। 73वां संशोधन हुआ हमारे संविधान का और स्थानीय निकाय में महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया, फिर राजनीति।
महिला आ गई मुखिया बन के, महिला आ गई सरपंच बन के, महिला आ गई जिला पार्षद बन के, और काम कौन कर रहा है, भाषण कौन दे रहा है? आज खुलेआम जाकर के कहते हैं कि साहब हम मुखिया पति हैं। मुखिया पति आप कैसे हो सकते हैं? आप किसी महिला के पति हो सकते हैं? मुखिया पति कैसे हो सकते हैं? मुखिया के पति कैसे हो जाएंगे? जिला पार्षद के पति कैसे हो जाएंगे? कभी आपने सुना है जब पुरुष महिला मुखिया हुआ करते थे तो उनकी पत्नी आके कही हो कि हम मुखिया पत्नी हैं? कभी कोई एक उदाहरण आप, अगर हमको तो नहीं किसी ने कहा, अगर आपके आप में से कोई हो तो बताइएगा, जरूर बाहर निकलने पर, कि कोई महिला आके कही हो कि मैं मुखिया पत्नी हूँ, हमसे बात कीजिए। लेकिन वो कहते हैं मैं मुखिया पति हूँ, और मुखिया पति ये खुद को मुखिया ही समझते हैं और सारा काम करते हैं और पत्नी दस्तखत करते रहते हैं। यहाँ भी राजनीति कर्म, यहाँ भी मानवाधिकार का हनन हो गया। एक तरफ सरकार इसको कानून इसलिए बनाया कि आपको अधिकार मिले, लेकिन हुआ क्या कि सब हकीकत किसी से छिपा नहीं है। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि आज जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ है, बलात्कार है, भ्रूण हत्या है, दहेज हत्या है और भी बहुत सारा उत्पीड़न है, ये सब आम हो चुका है। ऐसे बहुत सारे चीज है, अगर हम गिनाए तो कदम कदम पर राजनीतिकरण हो गया है मानवाधिकार का, और कदम कदम पर राजनीति के कारण मानवाधिकार का हनन हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, आतंकियों के कारण मानवाधिकार का जितना हनन हो रहा है उससे ज्यादा राजनीति के कारण मानवाधिकार का हनन हो रहा है। मैंने एक विषय आपके सामने रखा है कि इस पर आज हम लोगों को चर्चा करना है। हमें कुछ ज्यादा चर्चा नहीं करना है, चर्चा करने के लिए हमारे विशिष्ट अतिथि विद्वान मेहमान हमारे बैठे हैं, वो इस पर विस्तार से बताएंगे हमारा और आप सबका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन दो तीन चीज हम आपको सिर्फ कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि सरकार के साथ इस मंच से, ये मेरा फाइनल नहीं है, ये बाद में पता चलेगा जब सब लोगों की बातें आ जाएगी तब, हम चाहते हैं कि मंच से दो तीन मांगे जाए। मेरा एक प्रस्ताव है कि एक मांग तो ये जाना चाहिए कि सरकार मानवाधिकार जागरूकता के लिए पंचायत स्तर पर अभियान चलावे। सबसे पहले तो जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी नहीं है, तो पंचायत स्तर पर एक जागरूकता अभियान चलाया जाए। और दूसरा दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि स्कूल के पाठ्यक्रम में मानव अधिकार के विषय को शामिल किया जाए, ये मेरा प्रस्ताव है। यहां अगर इस प्रस्ताव को सहमति मिले, और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये इसके अतिरिक्त हम आप तमाम विद्वत जन जो यहां बैठे हैं उनसे हमारा आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि आप इसमें और भी कोई नया चीज जोड़ना चाहते हैं तो हमें अवश्य सुझाव दें, उसे भी जोड़ा जाएगा। और मेरा एकदम स्पष्ट मानना है कि बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सरकार, प्रशासन, एनजीओ वगैरह वगैरह की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा है, और जाने से पहले मैं अंत में एक पंक्ति कह देना चाहता हूं कि हम सबको सिर्फ अपना सोच बदलना है, हम सबको सिर्फ अपनी सोच बदलना है, सब कुछ अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। एक पंक्ति है कि सोच बदल कर देखो, सोच बदल कर देखो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल कर देखो नजारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदल कर देखो किनारे बदल जाएंगे। यदि आप खुद को पीड़ित महसूस करते हैं और आपको न्याय की दरकार है तो आप क्या कर सकते हैं, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं लोक अदालत के प्रधान न्यायाधीश श्री एसपी सिंह। मंच पर उपस्थित कौशलेंद्र जी अध्यक्ष, न्यायिक अधिकारी तो बोलता बहुत कम है, उसको बोलने का मौका तो कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि हमेशा अपने जिंदगी में सुनने ही का काम किया और सुनता ही रहता है। ये विषय जो मानवाधिकार का आया है आप लोगों के सामने, जो हम चर्चा के हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, पहले एक चीज़ हम बता दें कि मैं जिस चीज़ का यहाँ अध्यक्ष बनाकर भेजा गया हूँ हाई पटना माननीय पटना उप न्यायालय के द्वारा, उस डिपार्टमेंट को ही यही सारा काम करना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जितने मामले हैं ये सारे हमको देख लेंगे। हमको दुर्भाग्य हमारा ये है कि मैं 21 नवंबर 2017 से यहाँ पर पदस्थापित हूँ और आज तक PIL से कनेक्टेड कोई मामला आज तक दाखिल नहीं हुआ। उस मामलों में हम यहाँ से जानकारी आपको दे दें, शिक्षा से संबंधित आपका कोई विवाद हो, स्कूल कॉलेज में आपके अधिकारों का हनन होता हो, फीस बढ़ाई जाती, कुछ भी हो, आप हमारे यहाँ ला सकते हैं। उसके बाद रियल इस्टेट से कनेक्टेड कोई मामला, भूखनन हो जबरदस्ती, कोई जबरदस्ती नदियों का होगा, भू माफिया लोग जो करते हैं, बालू माफिया लोग कर रहे हैं, इसके मामले में मेरे यहाँ लाए जा सकते हैं।
मेडिकल से संबंधित, नर्सिंग होम, अस्पताल से संबंधित सारे मामले लाए जा सकते हैं, और इसी तरह बिजली से कनेक्टेड जितने मामले सारे मेरे यहाँ लाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका निस्तारण को 60 दिन के अंदर करना है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उस मामले की कहीं अपील नहीं होगी। जो भी न्यायालय मेरे न्यायालय द्वारा निर्णय होगा हमारे द्वारा, वो आपका अंतिम होगा। ये आप लोग अपने इसको अपने जानकारी में अपने अपने क्षेत्र में जहां भी जाए इसको ले जाएं, और क्योंकि हम ये कब हमने ज्यादातर मुकदमे बिजली के ही मुकदमों को देखा है कि अन्य मतलब क्या कुटीर योजना किस योजना के अंदर बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, 20-20, 30-40, 60-60 हजार रुपये बिजली का बिल आ रहा है, आम आदमी कहाँ से देगा, इस तरह की समझ। अब हम जरा थोड़ा विषय पर अपने आ जाते हैं। इस विषय पर अभी हमारे झा जी ने एक चीज पर्यावरण पर बोला, बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि हमारे पर्यावरण की हालत ये है साहब की हम जो किस कहीं सिंचाई नहीं हो पा रही है, हालत खराब हो गई है। इस पर एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो बीरबल ने कहा कि हमारे यहाँ सबसे पवित्र नदी जमुना नदी। बीरबल ने कहा कि जमुना नदी हमारे सबसे ज्यादा पवित्र, तो अकबर चौका, उसे कहा कि क्या बात करते हो, गंगा नदी सबसे पवित्र है। उसने कहा कि गंगा तो माँ होती है, माँ तो ऐसे ही पवित्र होती है, माँ तो ऐसे ही पवित्र होती है, इसलिए हमारी जमुना नदी पवित्र। अब तुलना की गंगा नदी के जो प्रदूषण, गंगा प्रदूषण हो रही है, हरिद्वार से जब योजना शुरू होती है गंगा प्रदूषण की, हमको लगता है कि हरिद्वार तक ही गंगा शुद्ध है। अनुभव करेंगे या पढ़े आर्टिकल पर पढ़े होंगे कि लंदन की जो टेम्स नदी थी वो सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती थी, आज वो सबसे शुद्ध नदी मानी जाती है। और हमारी गंगा माँ की क्या हालत आप जानते ही, सारी गंदगी उसी के अंदर बहाई जाती है, और कहा जाता है गंगा, और गंगा का पानी आप जब सुन के आप लोग पहले लोग कहते थे कि रख दिया जाता साल साल दो दो साल तक वो खराब नहीं, तो आप उसकी हालत क्या एकदम गंभीर। उसी प्रकार हम अब आप जैसे कि अभी किसान की बात हुई, झा जी ने किसान की बात उठाई कि हमारे 70 से जो किसान हैं, 17 हजार किसान, 17 हजार से कुछ ऊपर आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है, किसानों ने आत्महत्या कर दी, किसान आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन का राजनीति करके किसान सबसे पहले मान के चलिए किसान किसान है, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से, हमारी भी खेती बाड़ी होती, हम भी किसान हैं, हम उसी जमीन से पैदा हुए। लेकिन चक्कर ये होता है कि जब किसान अपनी मांगों को पढ़ता है लेके दिल्ली तक पहुँचते हैं, उसको जाति को बांट दिया जाता है, पार्टी को बांट दिया जाता है, और उसकी जो मूल बात होती है वो पीछे छिप जाती है। स्वामीनाथन आयोग की बात बार बार होती है, हर पार्टी वाले करते हैं स्वामीनाथन, लेकिन देने के नाम पर कोई तैयार नहीं, क्या कारण है? हमको किसान ही रहने दो ना भैया, हमको जाति में मत बांटो, हम अपना संभाल लेंगे मोर्चा। तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते हमको जाति में बांट दिया जाता, पता चला कि उस पार्टी से कनेक्ट उठकर उसमें जाके मामला है खत्म। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण पर जो थोड़ा सा एक चीज और बता दूं कि 15 दिसंबर 2013 को जो केदारनाथ की घटना हुई थी, अभी मैं पिछले जून के महीने में बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर गया हुआ था, मैंने देखा था सारे चीज़ों को। केदारनाथ जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, पैदल चलने में बहुत दिक्कत है, लेकिन जिस तरह पहाड़ों का दोहन हो रहा है, अभी एक गवर्नमेंट की योजना आई है कि चारों धाम को सड़क से जोड़ना, उस योजना के अंदर जो सड़कें बनाई जा रही है, तो पहाड़ों का इस प्रकार दोहन हो रहा है। और दुर्भाग्य है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के जो पहाड़ कच्ची मिट्टी के बने हुए, जो दुर्घटनाएं आप लोगों को होती दिखाई दे रही है, उसका कारण कच्ची मिट्टी के बने हैं। और आपकी इधर के कुमाई रेजी उधर जाइएगा तो उधर के पहाड़ इस प्रकार के नहीं, वो ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ ठीक ठाक है। ये जो दोहन हो रहा है सड़कें बनाने के नाम पर, प्रदूषण वहाँ दुनिया भर का फैल चुका है, और आप यात्रा करने में यह लगता है कि कब ऊपर का पहाड़ नीचे हमारे पर आ जाए, ये हालत हो गई। पर्यावरण को बनाए रखने की और उसका राजनीतिकरण लोग क्या करते हैं, दुनिया के फंड जारी होते हैं गंगा प्रदूषण के नाम पर, गंगा का प्रदूषण के नाम पर फंड जारी होता है। होता क्या कि हरिद्वार से लेके आए यहाँ तक देख लीजिए गंगा कहीं शुद्ध नहीं। अभी कानपुर में अभी योजना शुरू की, कानपुर में सफाई के लिए मशीन लगाई है, वहाँ पे वहाँ से 6 करोड़ या कितना बोला कि गैलन पानी को शुद्ध किया जाएगा। वहाँ के अधिकारी जो कार्यपालक अधिवक्ता था उनका बटन दबाते वक्त हाथ कांप रहा था, क्योंकि हम योजना फेल हो गई तो मेरा क्या होगा। अभी 13 करोड़ गैलन पानी गंगा नदी में गिरता है सीवर का, और 6 करोड़ अभी किसी तरह हमने लपेटे में लिया किसी को साफ।
तो आप लोगों से हम बहुत विषय में हम नहीं जा रहे, बहुत गंभीर से नहीं हम जा रहे हैं, लेकिन एक ही हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग जागरूक होइए, मैं आपके साथ हूँ। जो मैं कोर्ट में हूँ आपको, तो इस शहर को मैं मजिस्ट्रेट भी मैंने देखा है, मैंने CGM के रूप में भी देखा है, जज के रूप में भी देखा, अभी चेयरमैन के रूप में भी देख रहा हूँ। तो आप लोग PIL ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ दाखिल कीजिए, ताकि जो लोग सोए हुए हैं लोग राजनीति का, राजनीति के लोग जो हैं या जो भी लोग हैं जो इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको एक चेतावनी हम लोग देख सके कि आप लोग सुधर जाइए, क्योंकि अगर हम ही नहीं सुरक्षित हैं, नहीं सुरक्षित रहेंगे, हमारा समाज नहीं सुरक्षित रहेगा, हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हम लोग भी रहेंगे कहाँ? आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे, क्या दे रहे हैं पीढ़ियों में? स्कूलों में जाइए कुछ है ही नहीं। अब एक बार 5 स्कूलों का मैंने बिहार में इंस्पेक्शन किया था, तुर्की एरिया में गया था, वहाँ के प्रिंसिपल साहब बोले कि सर इतना बड़ा एस्टेब्लिश कॉलेज है, लेकिन सर हमारे यहाँ 1600 बच्चे हैं, और ये हमने बराबर खबर की कि अधिकारी आ रहे हैं तभी 700 बच्चे आज स्कूल में आए, क्योंकि उनका सत्यानाश कोचिंग वालों ने कर दिया, बच्चे कोचिंगों में जाते हैं स्कूल में नहीं आते, क्यों ऐसा हो रहा है? डी शिक्षा अधिकारी से बोलिए, वो नाम नहीं लेते हैं जाने का, ये हालत है। अब एक बार यहाँ की जो ज्वलंत उदाहरण बताऊँ आपके, जब मैं यहाँ CGM था तो एक कैदी था, उसकी आंख में कैंसर हो गया था यहाँ पे। जब मैं जेल में गया तो हमको जेल सुप्रिंटेंडेंट ने बताया, उस कि ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये बात 2013 की है, जेल सुप्रिंटेंडेंट ने हमको उसको अवगत कराया कि साहब इसको आँख पे कैंसर हो गया है, और इसको मेडिकल कॉलेज में इसको बोर्ड के सामने पेश करा, हमने ठीक है कर दिया, जब पेश किया गया वहां से आदेश हुआ कि इसको जितनी जल्दी हो सके आप इसको एम्स भेजिए, दिल्ली भेजिए, ठीक है एम्स भेजा जाए एम्स, क्योंकि जब किसी भी कैदी को दूसरे स्टेट को भेजा था या कहीं भी जाते फोर्स दी जाती है, तो हमने फोर्स के लिए लिखा। उस फोर्स का आलम यह था कि उसको लिखने के लिए हमने जब जिला प्रशासन को लिखा तो जिला प्रशासन हमको 3 से 4 महीने तक टालता रहा, ये है और वो है, ये प्रक्रिया वो प्रक्रिया, दुनिया भर की प्रक्रिया। फिर हम हर 3 महीने में बार हम जेल का इंस्पेक्शन करते, वहाँ जेल बन गए, वो कैदी मेरे सामने आया, कहा लो जेल जो प्रशासन का ही कहना था कि बहुत बड़ा बड़ा क्रिमिनल है, इतना बहुत इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं, इसी उम्र में आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। वो कैदी मेरे सामने आया तो कहा कि सर मैं ठीक है, मैं बहुत बड़ा अपराधी, मैंने बहुत दुनिया में अपराध बहुत अपराध किया अपराध जीवन में, लेकिन सर क्या मुझको जीने का अधिकार नहीं है? मुझको भी तो जीने का अधिकार है कि नहीं अधिकार है? मैंने कहा भैया तुम्हारा जीने का अधिकार बिल्कुल आपका है। कहा सर फिर हमको क्यों नहीं भेजा जा रहा है दिल्ली? मैंने कहा ठीक है, फिर वापस आए। फिर आप लोग आश्चर्यचकित होंगे, मुझे मामले को मैंने हाईकोर्ट को ना लिखे, सीधे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा मैंने कि सर ये वहां से जब आदेश आया जिला प्रशासन को तब आनंद पानस को भेज के भेजा गया। ये हालत जब तक आप नहीं खुद जगिएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मुजफ्फरपुर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और बड़ी अधिवक्ता श्री वीरेंद्र कुमार लाल ने कहा, बड़ी खुशी की बात है, कौशलेंद्र झा जी परहेट मीनापुर के रहने वाले हैं, इसलिए हम लोगों के बीच में आकर के और चाहते हैं कि मानव अधिकार क्या है, यदि आपका हनन हो रहा है तो हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, तो जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। 2-3 बातें हमारे माननीय झा जी बतलाए हैं, किसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, आप सभा के माध्यम से कहना चाहते हैं इनको कि हम लोगों के न्यायालय में DLSA है, ऐसे है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आवें, और उसके अंदर में पारा लीगल वॉलेंटियर फोर्स जो हर प्रखंड में, और इसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे, चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, लीगल सर्विस के एडिशनल ADJ रैंक के अफसर होते हैं सेक्रेटरी, और हम लोग भी उसके मेंबर हैं, और इस हैसियत से हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आवे, ताकि इसके लिए प्रोग्राम फिक्स करके PLV के साथ साथ हमारे लीगल सेल के लोग हैं जो एडवोकेट से पैनल लेयर बनाए जाते हैं,
और उनका काम है कि इस विषय वस्तु पर आपको जाकर के ग्रामीण परिवेश में पंचायत में जाकर के सभा लगाई जाती है और उसमें आप लोगों का जो अधिकार है उससे संबंधित बातों की जानकारी दी जाएगी, तो हम इस पर करेंगे। एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव और बड़ी अधिवक्ता श्री राम शरण सिंह ने कहा, स्वाभाविक है जागरूक लोग नहीं हुए तो आपके सारे विभाग का जो भी काम है उसका राजनीतिकरण हो गया। थोड़ा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह आपने संगठन के लिए यहाँ एक समारोह किया है उस तरह आप करते रहें, करें कचहरी परिसर में पंचायत वाइज करें, लोग जब समझ जाएगा कि उनका मानवाधिकार में उनका क्या अधिकार है तो वे आपके साथ हो जाएंगे। एडवोकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता श्री राम बाबू सिंह ने क्या कहा वह भी सुनिए। हम एडवोकेट एसोसिएशन के अलावे कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल एडवोकेट हैं। पैनल एडवोकेट का कार्य है कोर्ट द्वारा जो विषय वस्तु दी जाती है उसको ग्रामीण स्तर पर पहुंचाना। पंचायत स्तर पर पंचायत के नाम दिया जाता है और यहां से वीडियो सीओ और थाना को खबर किया जाता है और टाइम निर्धारित की जाती है, विषय वस्तु पर जाके पंचायतों में हम जागरूकता काम करते हैं। हम लोगों का मुख्य काम है कानूनी जागरूकता, कानूनी रूप से लोगों को जागृत करना। अब इस संबंध में हम कुछ आगे बढ़ते हुए बताना चाहते हैं कि आजकल जानकारी के अभाव में, आप लोगों को जानकारी नहीं है जिसके अभाव में पुलिस मानवाधिकार के उल्लंघन करती है। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं जिनका जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करिए, श्री दयालाल प्रसाद जी चेयरमैन अस्थाई लोक अदालत, उनका तालियों से हार्दिक अभिनंदन है, आए और अपनी बातें रखिए। निवेदन करेंगे इसको ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण स्तर पर बड़ी संख्या में आयोजित किया जाए, कुछ नहीं साल में एक बार महीना में छह बजे भी हो तक वहाँ पर लोग जो गरीब है अनपढ़ वहाँ जागृत अवेयरनेस किया जाए कि वहाँ हमारा अधिकार क्या है, कहाँ से बढ़े हैं, कैसे क्या हमारा अधिकार सोचेंगे, इस ब्लॉक ग्रामीण स्तर पर इसको रखा जाए। मानवाधिकार के राजनीतिकरण विषय पर बोलते हुए अवकाश प्राप्त कार्यपालक अभियंता राघवेंद्र झा ने कहा, लोगों को जागृत करना सबसे बड़ी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि अगर मानवाधिकार का राजनीतिकरण भी हो रहा है तो राजनीतिकरण होने से राजनीतिज्ञों को हम नहीं रोक सकते हैं, हम उनको इस बात के लिए किसी भी तरह से नहीं रोक सकते हैं कि इसका राजनीतिकरण ना हो, बल्कि अगर समाज में इसके प्रति जागरूकता पैदा की जाए तो जैसे जैसे जागरूकता पैदा होती जाएगी राजनीतिकरण अपने आप रुक तो नहीं जाएगा, रुकना तो शायद संभव नहीं है, लेकिन कम होता जाएगा। वैसे पहले के तुलना में अब बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी हुई है, लेकिन फिर भी 25 वर्ष का समय बहुत लंबा समय होता है, जितनी जानकारी लोगों को होनी चाहिए आज भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ही होगा कि कहाँ किसकी सुनवाई होगी, हमारे विद्वान अधिवक्ता महोदय को भी पूरी जानकारी नहीं थी, तो सोचने की बात है कि अगर उनको इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आम जन को जानकारी कैसे होगी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के बिहार प्रदेश सचिव श्री नीरज कुमार सिंह अध्यक्षता कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री कौशलेंद्र झा जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सीपी सिंह जी प्रधान न्यायाधीश स्थायी लोक अदालत। मैं आप लोगों का सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोग जो मुहिम कौशलेंद्र झा जी के नेतृत्व में जो चलाए आप लोग आकर हमारे सभा में आने का काम किया, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज जो हमारा यह मसला है और हम लोग लगातार अपने से उठाते रहते हैं, लेकिन इसके लिए बताने के लिए हम लोग 10 दिसंबर को एक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हम लोगों का कार्यक्रम रोज चलता रहता है और हम लोग बैठकर जहां संतोष जी भी बोले हैं हम लोग कि जो स्थिति बन गई है हर जगह मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसका गलत रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है, उसी के बताने के कारण कि मानवाधिकार को हर पार्टी वाले अपने ढंग से उसका रूपांतरण कर दे रहे हैं।
बीजेपी वाले हो, कोई पार्टी हो, सब लोग का अपना अपना मानवाधिकार अपने ढंग से हो गया। उसी विषय पर कि मानवाधिकार का राजनीतिकरण आज के युग में किया जा रहा है और सही में मानवाधिकार क्या है हम लोगों के बीच आने नहीं दिया जा रहा है। और सही बात लाने के लिए हम लोग अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से यूएनओ तक और सरकार के जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तक हम अपनी बात पहुंचाने की काम करेंगे कि सरकार इस विषय पर पहल करे कि आज मानवाधिकार का क्यों राजनीतिकरण हुआ। कहीं का अभी फिलहाल कश्मीर का मामला हमारे अध्यक्ष जी का है, वहाँ आज आतंकवादी मारा जा रहा है तो मानवाधिकार वहाँ आ जाते हैं, और कितने सैनिक हमारे मारे जाते हैं, उनका सर काटा जाता है, वहाँ मानवाधिकार नहीं खड़ा होता है कि, और कहा जाता है कि सैनिक मरने के लिए ही बने हैं, लेकिन वहाँ भी मानवाधिकार है। अगर पुलिस के साथ भी अन्याय होता है तो वहाँ भी मानवाधिकार है, लेकिन हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि पुलिस अगर किसी को मार रही है, किसी को जेल कस्टडी में रख दी, तो वही मानवाधिकार का उल्लंघन कर सकती है और वही मानवाधिकार की रक्षा की बात हम लोग एक सूत्र मानवाधिकार का मतलब समझते हैं कि सिर्फ पुलिस की प्रताड़ना का विरोध जो करता है वही मानवाधिकार का उल्लंघन, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसकी राजनीतिकरण किया जा रहा है। जो समझने की बात है कुछ लोग कि हम क्यों दिखार हो चाहे हम क्यों जाए उसमें पढ़ने, इस कारण से आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, सब लोगों को मिलकर किसानों की आवाज जो है, और आज ही जो राजनीतिकरण किया गया, किसान आए दिल्ली में सुने, हम लोग जमा हुए, हम लोग को मन खुश हुआ कि कुछ किसान के बारे में सरकार करेगी, चाहे आज लोग का जमबारा हुआ, लेकिन क्या हुआ, उसका राजनीतिक रूप दे दिया गया और उसमें पार्टी का झंडा फहराने लगा और कि हम फलाने पार्टी से विपक्षी पार्टी लोग संबोधित करने लगे। जहां पार्टी पॉलिसी होगी आपकी अधिकार का वहां होगा, अधिकार के लिए अगर वही सिर्फ किसान का होता तो आज केंद्र सरकार मजबूर होती कि किसान के बारे में कुछ सोचने को। प्रदेश सचिव श्री ननील सिंह, मानवाधिकार क्या है, इसके राजनीतिकरण को कैसे रोका जाए, इस बात पर समझने की चीज है। मैं विशेष क्या बताऊं, और सारे बहुत वक्ता हैं, संक्षिप्त में कहा गया है बोलने के लिए, और सारी चीज की जानकारी हमारे विद्वान लोग बता ही चुके हैं। मानवाधिकार के पहलुओं की जमीनी हकीकत बयां करते हुए पंचायत समिति सदस्य शिवचंद्र प्रसाद, हम अपने मेडिकल कॉलेज में देखें, जो कल इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है, कल का भविष्य जो निर्माण कर सकता है, वैसे हजारों बच्चे प्रति वर्ष मरते हैं, किसी की दिमाग वहां नहीं जाती है, हर दिन कम से कम 25 30 50 बच्चे मरते हैं। अगर पूरे जिला का आकलन किया जाए तो कितने बच्चे की जान चली जाती है कुपोषण के वजह से, उसकी जान चली जाती है इलाज के वजह से, उसकी जान चली जाती है पैसे के वजह से, उसकी जान चली जाती है कई कारणों से, लेकिन उस पर मेरा दिमाग नहीं जाता है, मैं अपने दिमाग को वहां नहीं ले जाता हूं, और दिमाग कहां ले जाता हूं, जहां एक दो हत्याएं होती है तो पूरा देश जग जाता है, लेकिन प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में मौत होती है उन बच्चों का जो कल का भविष्य है, उस पर मेरा दिमाग नहीं जाता है, कहीं उस पर मैं कोई सवाल नहीं उठाता हूं। तो हमें समझना होगा कि मानव अधिकार का निश्चित रूप से कुछ लोग अपने मतलब के लिए उस अधिकार का हनन करते हैं, लेकिन एक सुरेंद्र झा चाहेंगे कि पूरे जिले क्या पूरे मीनापुर के मानव अधिकार के बारे में लोगों को समझाने एक पंचायत में संभव नहीं है, एक पंचायत में संभव नहीं है। अगर आप आए हैं तो यहां से कुछ बीड़ा उठा करके जाइए, कुछ शपथ खा के जाइए कि मैं आज के बाद इस मानव अधिकार के बारे में मैं भी पंचायत स्तर का ही एक संगठन बनाऊंगा, जहां तक सहयोग लेने की बात है तो निश्चित रूप से ये सहयोग करते ही रहते हैं, सहयोग करेंगे, इनका संग भी करेगा। अपनी बात रखते हुए मुखिया अजय कुमार सहनी, बंधु विषय है मानवाधिकार का राजनीतिकरण, हम सभी को अपना कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करना होगा। मानवाधिकार जो शब्द है, सभी को उस पर अपने आप को निर्वाह करना होगा और
खास करके उसमें जो एक है मानवाधिकार का राजनीतिकरण, सचमुच मानवाधिकार राजनीतिकरण से जुड़ चुका है। और इसके लिए आपको अपने आप में मजबूत बनना होगा। मानवाधिकार हनन की हकीकत बयां करते हुए पत्रकार संतोष गुप्ता, मानवाधिकार का राजनीतिकरण हम तीन चार चीज अभी देखे हैं। एक, कभी सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि एक अस्पताल में दो केला रोगी को दिया जा रहा है और पांच सात नेता खड़ा है, और है कि फोटो खिंचवा के मैसेज वायरल कर रहे हैं फेसबुक पर। यह तो मानवता का है कि समझे कि नहीं राजनीतिकरण है। अभी हाल फिलहाल में डीएम साहब हमारे मीनापुर में गए थे, मीनापुर सेंट्रल स्कूल का विजिट कर रहे थे, तो डीएम साहब को बच्चों ने बताया कि हम लोगों को दोबारा रसोईया भोजन नहीं देती है, मांगने पर भी हम भूखे रह जाते हैं। जब डीएम साहब ने रसोईया को बुलाया तो रसोईया कहा कि अगल बगल के और सब भी बच्चे आ जाते हैं, इस कारण से भोजन घट जाता है। लेकिन हकीकत वो नहीं है। हकीकत जो हमारा जो है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट पे बात आई है कि हमारा 92% स्कूलों में सुविधाओं का अभाव है। हकीकत यह है कि कई जगहों पर शिक्षक है कि समझे कि नहीं कि चावल देकर गेहूं देकर अनाज देकर स्कूल को चलवा रहे हैं, बच्चों को पढ़वा रहे हैं। हकीकत यह है, इस कारण से भोजन कमने का कारण यह भी। फिर यहाँ पर कहाँ है मानवता, मानवाधिकार। अभी हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पर चंद्रबलि सहनी जी, ये आपको सत्ताधारी दल के जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष भी है। इनके गाँव के सारे लोगों का नलकूप ये जो है कि क्या मोटर खोल लिया गया। जब थाना में आवेदन लेकर जाते हैं तो इनको कहता है थानेदार कि अभी फुर्सत नहीं है बात करने का, और अब 20 दिनों से दौड़ रहे हैं, इनका FIR नहीं हो रहा है। और आज चोर को बुलाकर इनको सूचना दिया जा रहा है कि आप आइए मैनेज कीजिए, अभी तक इनका FIR दर्ज नहीं हुआ। यहाँ पर कहाँ है मानवाधिकार। मीनापुर थाने के तुर्की में जुआ में है कि यह है कि बेटा को हार जाता है, शाम पर पुलिस से पूछी जाती है, उनको जानकारी नहीं है। कल वो अखबार में आती है, फिर भी उनको जानकारी नहीं है। दिन भर पंचायत होती है, वहाँ उनको सजा दी जाती है ना, सजा दी जाती है, उठक बैठक कर, फिर भी पुलिस संज्ञान नहीं लेती है। यहाँ पर कहाँ है मानवाधिकार। IDF के कोऑर्डिनेटर शकील अनवर, सब लोगों ने काफी इस चीज पे जोर दिया कि जो मानव अधिकार है, अधिकार के साथ साथ हमको अपने कर्तव्य को भी पहचानना होगा। हम ये कर्तव्य सिर्फ अधिकार खोजेंगे तो खोजेंगे किससे, क्योंकि सरकार बहुत से कानून बनाई है, बहुत से नियम बनाए हैं, बहुत से प्रावधान किए हैं, बहुत सी स्कीम चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी भी है कि उन सारे अधिकारों को जाने समझें और उसको पाने के लिए प्रयास करें। क्योंकि जो हमारी संस्था हमारे कौशलेन जी ने जो कहा IDF संस्था, हमारी संस्था की ये सोच है कि जिसका मुद्दा उसकी अगुवाई, माने जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई, यानी मुद्दा हमारा है, माने समस्या हमारी है, तो कोई दूसरा नहीं आवेगा इस समस्या को दूर करने के लिए, हमें और आपको मिल करके करना पड़ेगा। रानी निशा जी, उनसे गुजारिश करता हूँ, तालियों से स्वागत कीजिए महिलाएं। मेरे साथ जो मेरी सहभागी है पिंकी जी, और हम लोग जो कार्यक्रम करते रहते हैं छोटा छोटा, जो सर को पता है, महिलाओं के साथ, खास करके हम लोग स्वास्थ्य और शिक्षा के तरफ काम करते हैं महिलाओं के साथ, और कुछ कानूनी कार्रवाई महिला हेल्पलाइन द्वारा महिलाओं को दिलवाते हैं। अभी अभी हम लोगों ने महिलाओं के लिए थायराइड और स्वास्थ्य, जो मानवाधिकार के अंदर ही आता है कि महिलाओं को भी स्वस्थ रहने का एक अधिकार मिले, थायराइड और चीनी, ये जुलाई में हम लोगों ने एक कैंप करवाया पिंकी जी के सहयोग से, और अभी हम लोग दिसंबर के लास्ट में भी एक कैंप करवाने जा रहे हैं, जो हम लोगों का होगा, जो होता है कोलेस्ट्रॉल महिलाओं में, उसके जांच के लिए। तो हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहते हैं। इस मौके पर शिक्षक सदय कांत आलोक ने कहा, जैसा कि राइट्स एंड ड्यूटी मानवाधिकार, हमारे कौशलेंद्र झा जी के पर बहुत सारा बातें आई हैं, उन्होंने अपना उद्गार प्रकट किया, एक आदमी के बस की बात नहीं है, और मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि सर्वप्रथम मैं मीनापुर में अपने जो संकुल में जितने भी शिक्षक हैं उनको एक मीटिंग में इनको बुलाऊं, उन लोगों को मानवाधिकार के संबंध में इनसे संबोधन कराऊं, साथ ही साथ क्योंकि यह पाठ्यक्रम में मानवाधिकार सम्मिलित नहीं है, और इसी का परिणाम है
कि मास पैमाने पर हमारे बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं कि हमारा क्या राइट्स है, क्या संविधान में दिया गया है, वो भी नहीं जानते हैं। मेलकम मार्शल, 65,000 दर्शकों की तालियों के बौछार हमारे माइक्रोफोन के माध्यम से अपने रेडियो ट्रांजिस्टर पर आप सुन रहे होंगे। मेलकम मार्शल, उनकी रफ्तार तेज होते ही आधे रास्ते पार किया, एम्पायर कौशलेंद्र झा जी के बगल से गुजरते हुए उनकी ये बोर्ड लेकर मेडिस्टर पर घुटने का सामान तरफ चली गवाज करने मेड बेकर के ऊपर से उछाल दिया, चक्कर कर लिया बाउंड्री के बाहर, और इसी के साथ गावस्कर ने दर्शकों की फरमाइश को पूरा करते हुए 6 रन लगाया। और अब कपिल देव जा रहे हैं बॉलिंग करने के लिए और विवियन रिचर्ड जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। मैं ज्ञानेंद्र प्रताप शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत का प्रमुख होने के नाते बिहार में बिहार प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र झा द्वारा मानवाधिकारों के लिए किए जा रहे प्रयास की सराहना करता हूँ एवं उनको व उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सेमिनार का लब्बो लुआब ये कि सरकार मानवाधिकार का व्यापक प्रचार प्रसार करे और इसे स्कूली पाठ्य पुस्तक में शामिल करे ताकि आने वाले पीढ़ी मानवाधिकार को समग्रता में समझ सके। नमस्कार।